प्रूफ है आपके पास? ऐसे बोल रहे हैं आप ना, झूठ बोल रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी आप ले लेना, आप इनकी बार जिम्मेवारी लेना, ठीक है? ये हार्ट के पेशेंट है, ये आपको बोल दिया मैंने। नगरोटा भगवा में डॉग को मारा है, वहाँ पे किसी ने लोहे की रॉड से मारा है उसको। जिन्होंने मारा है डॉग को ना, वो भी यहीं पर अभी प्रेजेंट, और इन्होंने उसको इतना ज्यादा मारा हुआ है कि वो मरने की हालत में पड़ी हुई है। और डॉग की सिचुएशन इतनी गंदी है, उसकी दोनों आईज निकल चुकी हैं। ये है भाई करने वाले, और एक बंदा दूसरा है, वो है नहीं अभी, वो भाग गया। वो ये भी चले गए थे कहीं, लेकिन इनको फोन फान करके हमने बुलाया है। उन खाना पे जितने तो बचाना होना अपना आप। अंकल जी बचाने का मतलब मारने का कोई चीज तो हम अपना काम जा रहे थे ऐसे। ये तो इंजेक्शन लगा के ठीक हो रहे हैं ना, उसको क्या करोगे आप? सच सच बताओ कि हुआ क्या था, क्यों मारा था आपने? बस ये हो ना, मैं आ रहा था मेरे पे पीछे से, मतलब प्रोटेक्ट कर रही होगी ना वो उस वो नेचुरली है कि किल्दे जब ये किल्दे बच्चे दिए हैं, तो अगर इसके बच्चों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो नेचुरली वो तो प्रोटेक्शन करेगी, प्रोटेक्शन करेगी करेगी। और इनके तो पीछे पड़ना ही था कि पिछले साल इन्होंने इसके 3 बच्चे मार दिए थे। भाग रही थी ना वो जब ये मार रहे थे, तो बोला उसको रोक रोक के फिर मार रहे हैं ये। 2 बंदे थे, इन्होंने एक साइड से तो रोक बंद कर दी थी, और दूसरे से ऐसे ऐसे करके सरिये से मारा है इन्होंने। देखा आपने? हाँ देखा, तभी मैं ऊपर से चिल्लाए तब ये भागे थे। हाँ कैसे प्रूफ है आपके पास? ऐसे बोल रहे हैं आप ना, झूठ बोल रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी आप ले लेना, आप इनके पास जिम्मेवारी लेना, ठीक है? ये हार्ट के पेशेंट है, ये आपको बोल दिया मैंने, ठीक है? मारते वक्त हार्ट के पेशेंट नहीं थे? क्यों मारते वक्त नहीं थे? हार्ट के डंडे साथ लेके आते रहे रोज, ठीक है? ना जब ऐसे जोर से मारोगे हार्ट के पेशेंट नहीं, तब अपनी सांस भूल रही थी ये, अभी हुए थे अपनी पूरी सांस। और एक साइड से बोरी को जला के, ताकि घुट घुट के वैसे ही बच्चे भी मर जाए, साथ में मर जाएंगे बच्चे भी और डॉग भी मर जाएगी, वो फीमेल भी। वो तो हुआ नहीं इनसे, तो इन्होंने क्या किया, डंडे लिए हुए और डंडो से मारा हुआ उसको, उसकी आंखें सुजा दी, सर में मारा हुआ, कर दिए कम्प्लेन। नहीं जी कंप्लेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करवाए देंगे उन्होंने। नहीं जी गए होंगे इधर, हां जी पांच जने हैं। ये जो है ना बड़ी डॉग है, इसके चांसेस जो है ना जिस हिसाब से लगी है ना 50-50 चांस है। तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे अभी तक आंखें भी नहीं खुली हैं इनकी, इनका क्या करेंगे? अगर उन्होंने काट लिया और गुस्से से इन्होंने डंडे से कर दिया, डंडे से मारने का जरूरत क्या है उसमें? नहीं अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं ना सर, बचाव के लिए एक डंडा मारते हैं, दो डंडा मारते हैं, पर इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि उसकी आंखें निकाल देंगे। चलो हम गलती मान रहे हैं अपनी, चलो अब हो गई ये गलती ना, अब आगे तो इसका तो करो। गलती इंसान से होती है ना, गलती इंसान से ही होती है। मैं भी इनकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पशु को तो सही गलत की समझ ही कहाँ है। पर जब हम किसी पशु को उसकी गलती के लिए मार मार के अधमरा कर रहे होते हैं, तब हम क्यों भूल जाते हैं कि गलती सिर्फ इंसान से ही होती है। ट्रीटमेंट शुरू करवाओ, जो जो होता है जो भी उसका खर्चा है ना, ठीक है? वो उसका खर्चा जो है वो इनसे लेंगे, सारा खर्चा देंगे उसका। एक्चुअली इनको पड़ गई है आदत, ये पहले भी बच्चों को मार चुके हैं, तो पहले इनके अगेंस्ट किसी ने एक्शन नहीं लिया तब, और इनको पड़ चुकी है वो आदत कि कोई बोलेगा तो है नहीं, क्योंकि जानवर है उसके लिए कोई बोलेगा नहीं। जितने भी लोग हैं ना, सबने देखा इनको मारते हुए, सब प्रूफ है हमारे पास। हम करेंगे इनके ऊपर FIR, ताकि लोग आगे से दोबारा ऐसा ना करें। अब एक बार इनके लिए एक्शन लेंगे, तब इनको ये होगा कि अगली बार ये ऐसा नहीं करेंगे। हम कितनों का ट्रीटमेंट करवाएंगे, और कितनों का कभी पीपल फार्म भेज रहे, कभी धर्मशाला भेज रहे, कभी पालनपुर भेज रहे, कितनों को भेजेंगे? जब तक इंसान सबक नहीं लेगा ना इनसे, तब तक कोई फायदा नहीं समझाने का। ये बोलते नहीं है तो मतलब इसका ये नहीं है कि कोई भी आएगा और डंडा पत्थर लेगा और इनको मार देगा। अच्छा ठीक है, चला जा। इस दर्द भरी हालत में भी वैदेही अपने बच्चों को दूध पिला रही है, क्योंकि आखिर वो एक माँ है और वो माँ का धर्म निभा रही है, जैसे वो तब निभा रही थी जब उसने उस इंसान को काटा जिसने पहले भी उसके बच्चों को एक बारी मारा है। तो पशु तो अपना धर्म निभा रहा है, और हम